Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel once again. So guys, in today's video I will explain you about the verbs. Verbs होते क्या हैं? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगी verbs का, basically verbs होते क्या हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इससे आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और मेरी प्रीवियस वीडियोस भी जाकर देख लो, मैंने प्रोनाउंस के बारे में भी डाली हुई है, नाउन की टाइप्स के बारे में भी डाली हुई है, अभी वर्ब्स की टाइप्स डालूंगी मैं। ओके, सो ये सब कुछ आप लोगों को आना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ बेसिक इंग्लिश। ठीक है, ये बेसिक इंग्लिश है। अगर आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच आते होंगे तो आप लोगों को आधी इंग्लिश तो आ ही गई। ठीक है, सो अब वीडियो के टॉपिक पर वापस आते हैं। सो आज मैं आप लोगों को वर्ब के बारे में बताऊँगी, तो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले हमें वर्ब्स को पढ़ने से पहले वर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली वर्ब्स होते क्या। ओके, सो सबसे पहले हम वर्ब्स को पढ़ लेते हैं, बेसिकली वर्ब्स होते क्या। ठीक है, अब वर्ब, एक वर्ब बेसिकली जब आप लोग सुनते हो तो आप लोग कहते हो कि वर्ब एक एक्शन है। ठीक है, वर्ब क्या होता है? एक एक्शन ही होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, सो गाइस, बेसिकली वर्ब क्या होता है? एक एक्शन होता है। ठीक है, जो कि हैपन हो रहा होता है बाय द सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट्स अ फिजिकल एक्शन। ठीक है, जो कि फिजिकल एक्शन। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब आप लोग वर्ब के, जैसे कि आप लोगों से अगर कोई पूछते हैं कि बेसिक व्हाट इज़ वर्ब। ठीक है, सो आप लोग क्या कहते हो? वर्ब इज़ एक्शन। ठीक है, वर्ब एक एक्शन है, बट उसकी एक्शंस की भी हर चीज़ के एक टाइप, हर चीज़ की टाइप्स होती है। इसी तरह जो वर्ब है उसकी भी टाइप्स हैं। ठीक है, उस एक्शन की भी टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे कि अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट्स अ फिजिकल एक्शन। ठीक है, फिजिकल एक्शन को शो करता है, मेंटल एक्शन को, स्टेट ऑफ बींग को। ठीक है, ये देखो ये क्या है, फिजिकल एक्शन भी एक्शन की टाइप है, मेंटल एक्शन के, मेंटल एक्शन भी एक एक्शन की टाइप है। ठीक है, अब फिजिकल एक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली फिजिकल एक्शंस होते हैं जो कि आप लोग अपने जो आप लोग अपने फाइव सेंसेस को इस्तेमाल करके जो आप लोग अपने एक्शंस करते हो उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल एक्शंस करते हैं। लाइक सिट, ब्रीथ, रन। रन आप लोग किससे करते हो? टांगों से। ब्रीथ किससे करते हो? नोज से। सिट किससे करते हो? आप लोग ऐसे बैठते हो, वो क्या कहलाता है? वो एक फिजिकल एक्शन कहलाता है। ठीक है, जो कि आप लोग खुद कर रहे होते हो, जो कि आप लोगों को महसूस भी हो रहा होता है। मतलब जैसे मैं ये अभी इस तरह से हाथ हिला रही हूँ तो अभी मैं एक फिजिकल एक्शन कर रही हूँ। ठीक है, सो मेंटल एक्शन, मेंटल एक्शन जो आप लोगों को समझ आ रही है, जैसे कि अंडरस्टैंड, बिलीव, रिकॉग्नाइज, जो कि आप लोगों के ऐसे एक्शंस जो कि आप लोगों के माइंड से जुड़े हुए हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मेंटल एक्शन कहते हैं। ठीक है, और अ स्टेट ऑफ बीइंग फॉर्म्स ऑफ बीज एम आर इन अ सेंटेंस आर वर्ब्स, टेल्स और अजर्स। सो बेसिकली जब मैंने आप लोगों को टेंसेस की वीडियोस करवाई थी, जब आप लोग टेंसेस करते हो, जिसकी भी वीडियो से देख के टेंसेस करते हो, सो वो क्या कहते हैं? एक हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, हर टेंस के अंदर एक होता है हेल्पिंग वर्ब। अब इसके साथ भी क्या लगे? एक वर्ब लगा है, मतलब कि इसके अंदर भी एक वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर, वॉज वर्ब। ठीक है, मैंने भी टेंसेस की वीडियोस करा रखी हैं, सो आप लोग मेरे चैनल पर से जाके देख सकते हो। टेंसेस 12 के 12 टेंसेस मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग उधर से जाके देख सकते हो। ठीक है, सो अब इसको क्या कह, अब ये सारे क्या है? ये इज, एम, आर, ये सारे क्या है? वर्ब्स हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम स्टेट ऑफ बींग, स्टेट वर्ब्स कहते हैं। ओके, या हेल्पिंग वर्ब भी हम इनको कह सकते हैं। सो बेसिकली वर्ब क्या होता है? वर्ब की, वर्ब का, वर्ब को, वर्ब के बारे में सबको ही पता है। बेसिकली वर्ब एक एक्शन ही होता है, वर्ब एक हिलजुल होती है, मूविंग होती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कह देते हैं वर्ब। ठीक है, जिससे कि हर चीज़ का नाम होता है, इसी तरह हमने जो हम एक्शंस कर रहे हो तो उनको अभी हमने नाम दे दिया वर्ब्स का। ओके ओके, सो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वर्ब के बारे में समझ आ गई होगी। ओके, सो अब वर्ब्स क्या हो सकते हैं? वर्ब्स ऐसे हो सकते हैं जो कि काम हो रहा हो पर्सन से। ठीक है, जैसे कि पर्सन्स क्या करते हैं? बिल्डिंग बिल्ड करते हैं, किसी बिल्डिंग को बनाते हैं। जैसे कि व्हाट अ पर्सन अ थिंग डज। ठीक है, जो कि पर्सन चीज़ कर रहा है, जो मतलब कि कोई इंसान जो काम कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको भी हम एक वर्ब कहते हैं। जैसे कि सलीम इज़ बिल्डिंग अ, सलीम बिल्ड्स अ हाउस।
ठीक है, अब बिल्ड्स क्या है इसके अंदर, बिल्ड्स इसके अंदर एक वर्ड है। सलीम ने क्या किया, बिल्ड किया। बिल्ड क्या है, एक फिजिकल एक्शन है, ठीक है। तो उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने वर्ब का नाम दे दिया। ये क्या है, बिल्ड्स के अंदर एक वर्ब है, ठीक है। इसी तरह कोई ऐसी चीज़ जो कि डन की हुई हो बाय द पर्सन और अ थिंग, उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, उसको भी हम वर्ब का नाम देते हैं, ठीक है। व्हाट अ थिंग, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और अ थिंग, उसको भी क्या हम किस चीज़ का नाम देते हैं, उसको भी हम थिंग का नाम, सॉरी वर्ब का नाम देते हैं। ओके, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ, द विंडोज़ इज़ ब्रोकन बाय द बॉय, ठीक है। द विंडोज़ इज़, यहाँ पे ये लिख रही हूँ, द विंडोज़ इज़ ब्रोकन बाय द, ब्रोकन बाय बाय द बॉय, ठीक है। अब इस क्या है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है, और ब्रोकन क्या है, ब्रोकन भी एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। अब इस ब्रोकन जो है, इसके अंदर क्या है, ये एक वर्ब है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, फिर मैंने आप लोगों को बताया कि एक क्या चीज़, एक और चीज़ क्या वर्ब कहलाती है, चूँकि डन की गई हो पर्सन या थिंग से, ठीक है। जैसे कि अब विंडोज़ टूट गई बाय द बॉय से विंडोज़ टूट गया। अब यह एक ऐसा वर्ब है कि जो कि डन हो चुका है बाय द पर्सन से वो चीज़ हो चुकी है, तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी एक वर्ब कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, जो कि पर्सन या कोई थिंग कर रही है उसको भी हम क्या कहलाएंगे, उसको भी हम वर्ब ही कहेंगे। द सोल्जर इज डेड, मतलब कि सोल्जर मर गया, तो वो भी क्या कर रहा है, वो एक वर्ब ही कर रहा है, वो एक एक्शन ही हो रहा है, ठीक है। वो एक इंसान कर रहा है। वुड इज़ हार्ड, वुड क्या एक हार्ड चीज़ है, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक फिजिकल एक्शन है, बिकॉज आप लोगों को पता चल रहा है कि हार्ड है, या आपको टच किया जब आपने किसी चीज़ को, तो आप लोगों को पता चला। आप लोग इसको मेंटल एक्शन भी कह सकते हैं, बिकॉज आप लोगों को देखने से भी कुछ चीज़ें पता चल जाती है कि ये हार्ड है, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों को जब हम मिलाते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें क्या देती हैं, वर्ब्स देती हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को के नाम, इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। बेसिकली वर्ब भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है, और पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर कोई भी ऐसे टॉपिक थी जो कि मुश्किल हो, और वर्ब तो बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। वर्ब क्या होते हैं, एक एक्शन होते हैं। बेसिकली जो हम 24 घंटे कर रहे होते हैं, वो हम एक्शंस ही कर रहे होते हैं, वो हम वर्ब ही कर रहे होते हैं। बस हमने उसको क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक नाम दे दिया, उसको हमने क्या नाम दे दिया, हमने उसको वर्ब नाम दे दिया, ठीक है। सो वर्ब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते, अपने सर पे बिल्कुल भी सवाल ना करें। कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर कोई कन्फ्यूजन बाकी रह जाती है, तो आप लोग वीडियो को पीछे करके देख लो, या कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर करूँगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो के अंदर ही सारा कुछ समझ आ जाएगा। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अच्छा।